तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं माइक घर पे, और बहुत ही सस्ते तरीके से, अच्छे तरीके से। कि मेरे पास पैसे नहीं थे माइक लेने के, तो मैंने सोचा घर पे एक माइक बनाते हैं व्लॉगिंग के लिए। तो वो वाला माइक हम बनाएंगे ईयरफोन की मदद से, जो कि देख सकते हो आप लोग। अभी लाइव बना के दिखाऊंगा। तो ईयरफोन चाहिएगा अच्छी क्वालिटी का आप लोगों को दोस्तों। इसके लिए ये दोस्तों मैंने ये यूबोन का ईयरफोन लिया है, एक यूबोन का दोस्तों, यूबोन का ईयरफोन यूज किया है इसके लिए। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, बस आगे के जो ये वायर है, ये यहाँ से माइक से लेके ये वाले आगे के हिस्से को, इसको हम लोगों को हटा देना है। तो फटाफट से इसको हटा के आते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो हमने यहाँ से इसको हटा दिया है, कट कर देना आगे से, बस यहाँ से इसको कट कर देना है और इनको साइड में रख देना है, ये नहीं चाहिए हम लोग। और दोस्तों ये हमारा माइक है और ये इसकी पीछे की केबल है। तो दोस्तों इस अगर वायर छोटा हो आपके पास तो दूसरा वायर ले लेना आप, दूसरा ईयरफोन ले लेना, और फिर उसको बीच से काट के दोस्तों यहाँ से, मतलब मैंने, मतलब वायर छोटा पड़ रहा था तो दूसरा ईयरफोन कनेक्ट किया है, उसको कटिंग करके मतलब मैंने यहाँ पे वायरिंग की है। इसमें चार कलर के तार आते हैं, गोल्ड, ग्रीन, ब्लू और एक रेड कलर का। तो आगे से इसको थोड़ा सा लाइटर की, लाइटर से या फिर तीली से जला लेना है दोस्तों, मतलब आगे से थोड़ा थोड़ा जला लेना है ताकि इनकी जो पॉलीथीन आती है दोस्तों वो उतर जाए। आगे के जला, आगे से जलाने के बाद अटैच करके दोस्तों सही से अटैच करके इन वायर को, और सही से मिला देना, कलर से कलर को मैच करा देना है। और फिर यहाँ से टेपिंग करनी होगी दोस्तों। टेपिंग इस प्रकार से करनी है, मतलब छोटा छोटा या तो कागज़ का टुकड़ा ले लो या फिर छोटा सा टेप का टुकड़ा ले लो और यहाँ पर चिपका दो, मतलब हर वायर के एक एक राउंड लगा दो ताकि मतलब आपस में टच ना हो ये वायर। अगर टच होंगे तो हमारी आवाज़ जो है क्लियर नहीं आएगी, वो तो आप लोगों को पता है। तो अगर वायर आपको छोटा सही है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बस यहाँ से इसको हटा देना है और हमारा वो माइक तैयार है। और इसके ऊपर फिल्टर लगाना पड़ता है ताकि उससे आवाज़ सही आए। तो दोस्तों हमने ये वाला फिल्टर यूज़ किया है जो आपको फैंसी स्टोर में बड़ी आसानी से मिल जाएगा, ये लेडीज़ वाला चोटी में डालने वाला रबड़ है ना दोस्तों, इससे माइक तैयार करना है, मतलब फिल्टर बनाना है। तो मतलब हमारे माइक को इसमें अंदर लगा देंगे इस प्रकार से, और चार या पांच राउंड ऐसे घुमा देंगे इसके ऊपर ताकि हमारे दोस्तों फिल्टर सही से लग जाए, और यहाँ से थोड़ा एडजस्ट कर देना है। तो देख सकते हो दोस्तों ये हमारा फिल्टर लग के तैयार हो चुका है माइक के ऊपर, और इसके नीचे कोई प्लास्टिक का ब्लैक कलर का टुकड़ा, मेरा ईयरफोन ब्लैक है तो ब्लैक कलर का टुकड़ा लगा देंगे इतना बड़ा। तो फटाफट से पहले इसकी वायरिंग वगैरह कर लेता हूँ मैं जल्दी से। तो हमने इसके अच्छे से टेपिंग कर ली है। तो फाइनली फ्रेंड्स हमने इसके नीचे ये वाली केप लगा ली है। अब देख लो हमारा माइक कितना शानदार लग रहा है। ये वाला होममेड माइक है जो कि हमने घर पे बनाया है। तो दोस्तों ये वाला माइक बनाने के लिए आप लोगों को बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, अगर बड़ा वायर चाहिए तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो दोस्तों कोई भी प्रकार की मेहनत लगने वाली नहीं है। सस्ता माइक है, अच्छा माइक है। तो हमने केप वेप सब लगा के वायरिंग वगैरह करके सब तरह रेडी कर दिया है। अभी आप लोगों को बारी है टेस्टिंग की, तो इसकी टेस्टिंग करवा देता हूँ मैं। तो दोस्तों अब बारी है इसकी टेस्टिंग की, और जो अब वाली आप लोग आवाज़ सुन रहे हो ये माइक की आवाज़ है। तो देख सकते हो दोस्तों कितनी शानदार आवाज़ आ रही है, वो तो आप लोगों को पता, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने अभी तक इसका टेस्ट नहीं किया है, सीधा वीडियो में टेस्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो कितनी क्लियर आवाज़ आ रही है इस माइक से, और बैकग्राउंड भी ज़्यादा नहीं आ रहा, वैसे बाहर टीवी चल रहा है, फैन चल रहा है, तो उसकी भी आवाज़ नहीं आ रही है, शायद मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। लगा अगर आप लोग भी बनाना चाहते हो तो सिंपल स्टेप है दोस्तों, कोई भी प्रकार की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर वायर को लंबा करना है तो थोड़ी मेहनत लगेगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि आप लोग और आपके फ्रेंड्स भी सस्ता सा माइक बना सके घर पे ही, और 250-200 रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़े। हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए, अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।